दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं फैंटेसी 11 की गाइड के साथ, जहां आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भैया अपना अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला 48th मैच। अब दोस्तों ये जो मैच है वो बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्यों? क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस तो ऑलरेडी टॉप फोर में बैठी हुई है, लेकिन पंजाब किंग्स को यहाँ पर अगर टॉप फोर में आना है तो अब लगातार मैचेस जीतने होंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम तो कवर करते हैं उन 11 खिलाड़ियों को जो कि हमारी टीम को बेहतर पॉइंट दिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम के साथ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो विकेट कीपर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं जॉनी बेस्टो और वृद्धिमान साहा के, और ऐसे में अगर हम देखें तो साहा का चूज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस जितेश शर्मा का भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल रहता है एंड ही इज प्लेइंग क्वाइट वेल, बट स्टिल लेट्स कीप हिम अंडर रेडार। लेकिन हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बैटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर शिखर धवन, डेविड मिलर एंड देन गोज शुभमन गिल एंड भनुका राजापक्सा, ये कुछ ऐसे चार बल्लेबाज हैं जो कि दोनों टीम्स की तरफ से अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। इनके स्टैट्स बेहतर हैं और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये हमें अच्छे पॉइंट्स भी दिला सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब टीम प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर रिद्धिमान साहा एज अ विकेट कीपर हमारे पास हैं, शिखर धवन, डेविड मिलर, भनुका राजापक्सा और शुभमन गिल एज अ बैटर टीम में मौजूद हैं। अब इसी के बाद आ जाते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की ओर। अब भैया ऑलराउंडर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर तो हार्दिक पांड्या को तो डेफिनेटली अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। भाई लियम लिविंगस्टोन भी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुछ मैचेस में पंजाब किंग्स के लिए जीत का कारण भी बने हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स को रखना जरूरी है। प्लस यहां पर दोस्तों हमारे पास राहुल तेवतिया का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम इनको साइड में रखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द बॉलर्स और फाइंड आउट करते हैं हमारे बेस्ट 3 बॉलर्स को। भाई मोहम्मद शमी बैक टू बैक दोस्तों विकेट निकाल रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है कगिसो रबाडा की ओर से फ्रॉम पंजाब, तो इन दोनों गेंदबाजों को हम अपनी टीम में जरूर लेंगे। अब आ जाते हैं क्रेडिट्स की ओर। भैया बचते हैं हमारे पास 18 क्रेडिट और दोस्तों इसी लिहाज से अब हमें 3 बॉलर्स तो चूज करने हैं, तो तीसरा हमारा गेंदबाज हो सकता है यहाँ पर आइदर राहुल चहर और राशिद खान। दोनों ही गेंदबाज डिसेंट है, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो राशिद खान एज अ बैटर हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं गुजरात टाइटन्स के लिए। इफ समथिंग goes wrong in the top order, राशिद खान ने बल्ले से भी कमाल दिखाया है और दोस्तों यही रीजन है कि अभी हाल फिलहाल हम राशिद खान को चूज कर सकते हैं। अब बात करी जाए हमारे आखिरी प्लेयर की, उससे पहले हम अपना टीम प्रीव्यू कर लेते हैं। भाई वृद्धिमान साहा, शिखर धवन, डेविड मिलर, भनुका राजापक्सा, शुभमन गिल, लियम लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर, बॉलर्स के तौर पर मोहम्मद शमी, कगिसो रबाडा और राशिद खान मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों एक प्लेयर हम पंजाब किंग्स की ओर से जरूर लेना चाहेंगे और किंग्स की बात करी जाए अगर आप एज एन ऑलराउंडर देखते हैं तो यहाँ पर आप ओडियन स्मिथ को चूज कर सकते हैं। अगर आप बल्लेबाज चूज करना चाह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर मयंक अग्रवाल का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कंसिस्टेंसी इनकी थोड़ी सी कम रही है, बट स्टिल ही इज अ गुड बैटर और टॉप ऑर्डर में शिखर धवन के साथ अच्छी साझेदारी करते दिखाई दे सकते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट टू गो टू अ बॉलर तो यहाँ पर दोस्तों राहुल चहर तो अवेलेबल है ही, तो इनको भी सेलेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद टीम बनती है कुछ यूं, जहां शिखर धवन, भनुका राजापक्सा, लियम लिविंगस्टोन, कगिसो रबाडा और राहुल चहर होने वाले हैं हमारे पंजाब किंग्स के 5 खिलाड़ी। तो वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से साहा, मिलर, गिल, पांड्या, शमी और राशिद खान हमारी टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं अपने फाइनल कैप्टन और वाइस कैप्टन की ओर। तो भाई यहां पर ऑप्शंस तो दोस्तों हमारे पास 3-4 हैं, जहां पे सबसे पहले तो हम शिखर धवन को हम चूज कर सकते हैं एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन, एंड देन हार्दिक पांड्या को हम चूज कर सकते हैं फॉर कैप्टन और वाइस कैप्टन। इनके अलावा कोई तीसरा खिलाड़ी अगर हम देखें तो वो यहां पर बन सकता है शुभमन गिल, जिसे हम वाइस कैप्टन के तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल तो हम जाते हैं शिखर धवन की ओर, जो कि हमारी टीम के लिए कप्तानी पारी खेलते नजर आ सकते हैं। प्लस हार्दिक पांड्या को हम चूज कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन, जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं। अदरवाइज अगर आपको बॉलर्स में चूज करना है तो मोहम्मद शमी को चूज किया जा सकता है दोस्तों, और राइट नाउ अगर हम देखें तो यहां पर मोहम्मद शमी को चूज करा जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ ये बनती है हमारी फाइनल टीम। अब दोस्तों आपके लिहाज से किस प्लेयर को इस टीम में शामिल होना चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने जवाब जरूर दें, बताएं कि आखिर इस टीम के अलावा आपके हिसाब से कौन सी टीम बेस्ट हो सकती है। अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मैच का प्री मैच एनालिसिस नहीं देखा है, प्रिडिक्शन नहीं देखा है, तो फटाफट से आई बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ आईपीएल बोनांजा के सभी सवालों के जवाब दें और पाएं कैश प्राइज। और भैया अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों लाइक जरूर करते जाइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।